मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया। गुजरता सालम्हा एकदम भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की सदियों से तरसी है जैसी जिंदगी के लिए, मेरी सौगातों में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाए तेरे जैसे ही किसी के लिए, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए, किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। राधे राधे, कैसे हो आप सब? मैं मूडी मैन और मैं शिनचिन हरा, आप सबका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट। एक फिर से नए ब्लॉगिंग वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा, क्या क्या मुझे भी तो बताओ कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। इस वीडियो का टॉपिक है गेमिंग। तो क्या गेमिंग में करियर है इंडिया में? आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। लेकिन मैं तो अपने थॉट्स है वो आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, और मैं गेमिंग के बारे में क्या सोचता हूँ वो सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज क्या हुआ मेरे साथ वो बताना चाहता हूँ। तो आज ऐसा था कि जब मैं उठा तो काइंड कंटेंट के बारे में ही सोच रहा था। मैं पूरी रात मैं सिर्फ कंटेंट के बारे में ही सोचते सो गया, और उठा तो कुछ आइडियाज़ जो मेरे दिमाग में थे वो आइडियाज़ को मैं कुछ कर रहा था। तो जो पहले वाले वीडियोस मैंने अपलोड किए थे तो उनको देख रहा था कि कितने व्यूज़ गए हैं, या फिर उनको इंस्पेक्ट कर रहा था कि उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ। मेरे एक और चैनल है पे मैं जो गेम्स खेलता हूँ उसके क्लिप्स अपलोड करता हूँ। तो क्या हुआ कि मैं जब इंस्पेक्ट कर रहा था तो देखा कि ये कॉपीराइट क्लेम आए हुए हैं मेरे वीडियो पे, और मैं तीन वीडियो में ऐसा हुआ है। और वो कॉपीराइट क्लेम इसलिए आया था क्योंकि मैंने जो उसमें म्यूज़िक यूज़ किया था वो नो कॉपीराइट सॉन्ग थे। बट हुआ ये था कि पहला वीडियो मैंने जो अपलोड किया था उसमें कॉपीराइट क्लेम आया था, वो मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने क्रेडिट नहीं दिया था। और उसके बाद जो दो और वीडियो मैंने अपलोड किए उन दोनों में मैंने उनका क्रेडिट दिया था कि म्यूज़िक को आप भी यहाँ से डाउनलोड करके आप भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट देने के बावजूद भी मुझे वो कॉपीराइट क्लेम आया। तो हाँ, उसके लिए फिर मैंने देखा कि नो कॉपीराइट सॉन्ग, फिर मुझे यूट्यूब से ही पता चला कि हाँ ऐसा होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक अलग होता है और कॉपीराइट क्लेम अलग होता है। कॉपीराइट क्लेम तब होता है जब आप किसी का वीडियो या फिर किसी का म्यूज़िक आप यूज़ करते हो और उस पर वो कॉपीराइट क्लेम लगा दें, मतलब कि आपका उस वीडियो में जो आप पार्ट उसका यूज़ किए हो, अगर उस वीडियो से आपको जो भी रेवेन्यू, मतलब जितना भी आप उससे कमाओगे, और उसके ऑथर के पास वो सारा चला जाएगा। तो हाँ, ये हुआ था मेरे साथ। इसके लिए मैंने सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया है और आगे से मैं उसको इम्प्लीमेंट भी करूँगा कि कैसे आप कॉपीराइट क्लेम को प्रिवेंट कर सकते हो, बचा सकते हो। अब हम अपने असली वीडियो के टॉपिक पे आते हैं जो है गेमिंग। तो गेमिंग में करियर है या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। इसका आंसर है हाँ है। पहले 2018 से पहले जब इंडिया में बहुत ही ऐसे कम लोग थे जो गेमिंग को एज अ करियर देखते थे, लेकिन अब जब इंडिया में सबसे चीपेस्ट इंटरनेट मिलता है पूरे वर्ल्ड का, तो सब लोग गेम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, सबको कंपैरेटिव खेलना है। इंडिया में आप गेमिंग करियर बना सकते हो क्योंकि
अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। स्टार्टिंग में ही है, लेकिन नेक्स्ट लेवल का स्टार्टिंग है इंडिया में खास करके। और दूसरे देशों में तो गेम पहले से भी चलता था, जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब जगहों पे ऑनलाइन गेम्स बहुत ही मामूली है, मतलब वहाँ पे बहुत ही पहले से ये सब चलता आ रहा है। लेकिन इंडिया में दिस इज़ द स्टार्टिंग, बट स्टार्टिंग इतना ऑसम है कि फट जाती है वहाँ तक पहुँचने में। तो समझ रहे हो ना, आप लोग को बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप गेमिंग को एज अ करियर चूज़ करते हो तो आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। और रही बात मेरी, तो मैं भी एक गेमर बनना चाहता हूँ, मैं भी कंपैरेटिव खेलना चाहता हूँ, सच में कुछ अचीव करना चाहता हूँ इसमें। बट उसके लिए भी अगर आपके घर वाले सपोर्टिव है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है फिर भी आप करना चाहते हो तो अब जब गेम इतना इंडिया में स्प्रेड आउट हो गया है, इतना खास करके ये बैटल रॉयल जैसे BGMI हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, फ्री फायर हो गया, ये सब बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड आउट हो गए हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे नए गेम्स भी आने वाले हैं जिसके थ्रू आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, या एक स्ट्रीमर बन सकते हो, या एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकते हो। तो हाँ, आगे बहुत करियर है इसमें, आप इसको एक चांस दे सकते हो गेमिंग को। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो खुद के पैरों पर खड़ा होना है। जैसे कि अगर आप अभी कुछ नहीं करते हो, आपके पास अगर डिवाइस नहीं है, अगर आप डिवाइस था तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, तो आप भी क्या करो कि आप कुछ ना कुछ करो। मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास डिवाइस है, अच्छा खासा चलता है, उससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इतना आपके डिवाइस में कैपेसिटी है कि वो कुछ ना कुछ हैंडल कर ले, तो आप कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना बेहतर होगा। आप उसी से गेम रिकॉर्ड करो थोड़े थोड़े, या फिर छोटे छोटे क्लिप्स बनाओ, यूट्यूब पे अपलोड करो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। मैं भी अभी स्टार्टिंग में हूँ, मेरे भी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन मैंने रुका नहीं क्योंकि अब जानता हूँ मुझे यही करना है और मैं चाहता भी हूँ कि मैं यही करूँ। तो बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है धीरे धीरे, बट गेमिंग को एज अ करियर आप चूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 बिग सून। तो ये सिनेरियो हो रहा है इंडिया में। अगर आप स्टार्टर हो या फिर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए कौन सा गेम सबसे बेस्ट होगा? तो अगर आप BGMI खेलते हो तो ठीक है, वो खेलो, लेकिन BGMI में भी अभी बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर है, बहुत सारी ऐसे टीम है, बहुत सारी ऐसे ऑर्ग है BGMI में कि हाँ, जो प्लेयर्स को नए नए को चांस देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा अब आपको उसमें एंटर करने के लिए। क्योंकि जब पबजी मोबाइल था तब से ग्राइंड होते आ रहा है, जब स्टार्टिंग में तो सबसे पहले स्ट्रीमर्स ही थे, जो सबसे फेमस स्ट्रीमर्स थे जिनको मैं देखना चालू किया था वो थे एनमो भाई को, सबसे पहले मैंने देखा था स्ट्रीमिंग करते हुए पबजी मोबाइल, जब उनका फेमस था पट से हेडशॉट। और उसके बाद क्रॉन्टन भाई थे, रॉन भाई थे, मॉर्टल भाई थे, लेकिन मॉर्टल भाई पहले उतना नहीं थे क्योंकि वो आईपैड में खेलते थे, तो उतना पॉपुलैरिटी नहीं था जितना डायनमो, क्रॉन्टन और रॉन भाई का थे, क्योंकि वो लोग एमुलेटर पे खेलते थे और बहुत ही अच्छा खेलते थे। पता नहीं उन लोगों ने कितने अच्छे अच्छे वाइपआउट्स वगैरह वो लोग निकालते थे, और डायनामो भाई का तो फेमस पट से हेडशॉट बजता ही रहता था, पूरी स्क्वाड वाइप हो जाती थी स्नाइपर से। तो हाँ, ये लोग थे स्ट्रीमर, लेकिन जब मॉडल भाई फेमस हुए, जब भूल गई थी ग्लोबल लेवल पे कंपेटिटिव खेलने के लिए, तो वहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने किया था। जो मोबाइल गेमिंग का अलग क्रेज़ आया, वो लाने वाले तो भाई एक ही है, मॉर्टल भाई। यूट्यूब करियर में मैं अपना ओपिनियन दूँ तो सबसे पहले मैंने मॉर्टल भाई को ही देखा था कि हाँ, फ़ोन में भी ये सारे गेम बहुत ही अच्छे तरह से खेल सकते थे, क्योंकि नाम ही था पबजी मोबाइल, स्टार्टिंग में ही था पबजी मोबाइल। तो अभी तो BGMI है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, अगर आप खेलते हो तो खेलो, बहुत ही अच्छा करियर है। लेकिन जो आगे आने वाले गेम्स है, इसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपना बिल्डअप कुछ बना लेते हो उस लेवल का, अगर आप यूट्यूब चैनल ही चालू करते हो या फिर कुछ काम करते हो, अगर आपको अच्छी अर्निंग हो जाती है उससे, तो हाँ, आप एक बहुत अच्छा सा डिवाइस ख़रीद के उस पे आप पहले Tier 3 कस्टम्स खेलो, लेकिन पूरा अच्छी तरह से ग्राइंड कर जाओ। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उसके पीछे, आपको उस लेवल तक कुछ अचीव करने लायक बन जाओ।
उसके बाद आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते 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 उस लेवल तक चले जाओगे। हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन आपको वो करना होगा, सोचने से नहीं होगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सबसे पहले अपना बेस बिल्डअप तैयार करो। जितने भी स्ट्रीमर्स हैं आप उनको ही देख लो, अब क्या वो लोग जब स्टार्टिंग किए थे तो उनके डायरेक्ट ही क्या 1 मिलियन व्यूज़ आने लगे थे या 2 लाख 3 लाख 4 लाख? नहीं भाई, उन लोगों ने भी तो बेस तैयार किया था ना। हाँ, तो वैसे ही अपना बेस आप लोग खुद तैयार करो। विदाउट बेस, विदाउट यू डोंट हैव एनी सपोर्ट, देन हाउ कैन यू ग्रो? अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है तो आपको अपना सपोर्ट खुद तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आपको बैठे बैठा ये नहीं परोस के देगा कि हाँ भैया लो आ जाइए हमारे टीम में खेल लीजिए, आप बहुत अच्छा खेलते हो तो ये लीजिए, आपको हम एक डिवाइस दे रहे हैं, इतना अच्छा सेटअप दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। यहाँ पे फ्री का आपको कुछ नहीं मिलने वाला जब तक कि आप अपना टैलेंट उसमें नहीं दिखाओगे कि हाँ आप ये कर सकते हो। तो हाँ, कुछ करो, बैठे मत रहो। अगर आप सिर्फ सोचो कि नहीं मुझे गेम खेलना है, पापा इसे मांग लूँगा, किसी और से मांग लूँगा, तो नहीं, कोई नहीं देगा। आपके पापा भी बोलेंगे हाँ दिन भर गेम खेलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा गेम खेले, मेरा बेटा ये करे, मेरा वो बेटा करे। इंडियन पेरेंट्स हैं कि भाई तुम सिर्फ पढ़ाई करो, तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई है, उसके अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं है, पढ़ाई होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई। ये तो इंडियन पेरेंट्स में है और होना भी चाहिए। अगर आप स्टडी नहीं करोगे यार, आप गेम भी खेलते हो तो क्या, उसमें भी आपको मैप्स की स्टडी आनी चाहिए, रोटेशन की स्टडी आनी चाहिए, आपको हर सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हो उसकी भी स्टडी आनी चाहिए। आप कौन से टैक्टिक्स से खेलते हो या आपकी स्ट्रेटजी क्या है, इसके लिए भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज इज़ एवरीथिंग इन एवरी सेक्टर। सो हाँ, पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन एज अ करियर अगर आप सिर्फ गेमिंग पे ही फोकस करोगे और पढ़ाई तो भूल ही जाओ कि नहीं मुझे पढ़ाई करना ही नहीं है, मुझे गेमिंग से सब कुछ हो जाएगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, हाँ यहाँ चला जाऊँगा इनसे मांगूँगा मदद, नहीं, आपकी हेल्प कोई नहीं वैसे करेगा। आप जब तक कि अपना बेस खुद नहीं तैयार करोगे तब तक आपकी बिल्डिंग बनाने के लिए कोई नहीं आएगा। आप जानते जो ऊपर रहते हैं, अगर आप अच्छा वर्क करोगे तो वो आपको हाथ देंगे, अगर नहीं अच्छा वर्क करोगे तो आप वहीं से गिर जाओगे। तो हाँ, बेस तैयार करो। उसके बाद अब मैं बताऊँ कि सबसे बेस्ट जो आप कर सकते हो, अगर आप न्यू गेमर हो, नए हो, कुछ खेलना चाहते हो, आपको थोड़ा इजी सक्सेस मिल जाए, जितना हार्ड वर्किंग अभी BGMI, COD मोबाइल या फिर फ्री फायर में है, उतने ज़्यादा अगर आप नहीं ग्राइंड कर सकते हो, तो अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स आने वाले हैं, लीग ऑफ लेजेंड्स आने वाला है, तो उनमें अगर आप ग्राइंड करोगे तो आपके सक्सेस रेट इससे ज़्यादा हैं। बट अगर आप BGMI खेलते हो और उसके प्लेयर बनना चाहते हो, उसकी कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते हो, तो हाँ उसके लिए आपको बेस तैयार करना पड़ेगा और बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। और अब बात करूँ मेरे फेवरेट स्ट्रीमर और मेरे फेवरेट गेमिंग इन्फ्लुएंसर, जिनको देख के मैं बहुत ही मोटिवेट होता हूँ और मुझे भी लगता है कि नहीं मुझे मेहनत करके उस पोजीशन पे जाना है जिस पोजीशन पे वो लोग हैं। तो फर्स्ट में तो मैं सबसे बड़ा फ़ैन था डायनमो गेमिंग का। तो डायनमो भाई तो उस समय एमुलेटर पे खेलते थे, तो उस समय पता नहीं चलता था मुझे कि एमुलेटर क्या होता है, मुझे बस इतना पता था कि गेम है और इसमें ऐसा ऐसा होता है। बट जब मॉर्टल वाई ने फर्स्ट टाइम जब उनकी वीडियो वायरल हुई थी, उसमें 3 मिलियन व्यूज़ थे और कुछ 250K से एबव लाइक्स थे, तब उनका वो वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था, जिसमें मॉर्टल भाई थे, रौनक भाई थे और ओविस भाई थे और एक और शायद अमन भाई थे। तो उसमें क्या हुआ था कि जब मॉर्टल भाई की स्क्वाड जॉर्जोपुल से निकल के रोजैक के जो स्क्वाड हाउस जिसमें गाड़ी मिलती है वहाँ पे आ रहे थे, तो उसके ब्रिज के पास उनका कैंपिंग चल रहा था। तो मॉर्टल भाई ने मतलब कि इतना इंस्टेंटली 1v4 किया था, उनके सारे टीममेट टॉक हो गए थे, बस मॉर्टल भाई अकेले बचे थे और वो नेक्स्ट लेवल का ब्रिज काम कर रहे थे। बट मॉर्टल भाई ने 1v4 किया था इंस्टेंटली और वो शायद ग्रोजा और DP यूज़ कर रहे थे, बेस्ट कॉम्बो था, क्या मारा था भाई। उसके बाद से मैं मॉर्टल भाई का फ़ैन हो गया था, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा खेलते थे यार मॉर्टल भाई, वी मिस यू मॉर्टल भाई। उस टाइम से मैं मॉर्टल भाई का फ़ैन हुआ। उसके बाद है जॉनथन गेमिंग। अरे जॉनी भाई OP,
वो क्या मारते हैं यार, उनका जो पहले जो था, अभी तो जो मास्टर सीरीज हो रही है उसमें थोड़ा डाउन है जोनाथन भाई, लेकिन पहले क्या मारते थे। लैन इवेंट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव हो या फिर कोई भी कस्टम वगैरह हो, उसमें तो भाई क्लासिक मचा देते थे। क्लासिक खेलना है उनको, कॉम्पिटिशन है क्या उनको? नहीं पता उनको, बस बंदे फोड़ने, बंदे मारने, हेड शॉट। तो मैं यही कहूँगा जोनाथन भाई, जल्दी से जल्दी वापस हुई पुराने वाले फॉर्म में आ जाओ, ताकि हमें भी आपको देख के बहुत मज़ा आए। वी रियली मिस योर गेम प्ले जॉनी भाई। भैया भैया, आप तो बस स्ट्रीमर के बारे में ही बात कर रहे हो, आपका कम से कम ये तो बता दो आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है। अच्छा, फेवरेट इन्फ्लुएंसर के बारे में जानना है? तो फेवरेट इन्फ्लुएंसर मेरे वो हैं जो बहुत ही इंस्पायर करते हैं मुझे, जिनकी बातें बहुत अच्छी लगती है, जो बहुत अच्छा कमेंट्री करते हैं और गेम को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो वो है गेमिंग ओशन ब्रो। अगर आप कभी ये वीडियो देखोगे तो यू आर माई इंस्पिरेशन एंड थैंक यू फॉर दैट। आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो भी आपको पसंद आया हो इस वीडियो में। अपना ख्याल रखना, राधे राधे।